वहीं दूसरी ओर गोहाना के छोरे ने जूनियर नेशनल पेंचक सिलेट चैंपियनशिप में कमाल कर गोहाना का नाम रोशन किया है। एक सिल्वर दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर घर लौटे विजेताओं का जोरदार स्वागत किया गया। एक रिपोर्ट देखिए आप। गोहाना का छोरा ने जूनियर नेशनल पेंचक सिलेट चैंपियनशिप में कमाल कर दिया। एक सिल्वर दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल करना सिर्फ गोहाना का नाम रोशन किया बल्कि प्रदेश भर में भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरों में देखिए गाड़ियों पर सवार खिलाड़ी, उनके गले में नोटों का हार, साथ में सड़कों पर गाड़ियों का काफिला। ये एहसास करा रहा है कि जीत कितना मायने रखती है। जब गोहाना का छोरा रोहतक से जीत कर लौटा तो गोहाना पानीपत रोड के रहने वाले तीनों छोरों का जोरदार स्वागत किया गया। तीनों खिलाड़ियों को गोहाना की सब्जी मंडी से खुली जीप में बिठाकर पानीपत रोड घर तक विशाल काफिले के साथ ले जाया गया। इस दौरान तीनों खिलाड़ियों ने अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता और अपने कोच को दिया। सिल्वर मेडल आया ही है। 24 से 27 दिसंबर MD यूनिवर्सिटी रोहतक में हुए थे। कब से कब? 24 से 27 दिसंबर MD यूनिवर्सिटी में हुए थे। कौन सा मेडल प्राप्त? सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ है। पहली फाइट मणिपुर के साथ हुई थी, दूसरी फाइट कर्नाटक के साथ हुई थी, तीसरी फाइट जम्मू कश्मीर के साथ हुई थी। आगे उसके लिए और मेहनत करेंगे, अभी सिल्वर से ही संतुष्ट है, आगे और मेहनत करेंगे। मैं 71 to 75 केजी में खेल रहा हूँ, इसमें लगभग पूरे देश से 1200 खिलाड़ी आए हुए थे। इसका सारा श्रेय मेरे माता पिता और मेरे कोच को जाता है। गौरतलब है कि इन खिलाड़ियों ने रोहतक MD यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर तक आयोजित हुई जूनियर नेशनल पेंचक चैंपियनशिप में एक सिल्वर दो ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। इनकी जीत से कोच भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। मेडल विजेता बच्चों के कोच अर्जुन ने बताया, गोहाना से 10 बच्चों ने अलग अलग वेट में खेलते हुए 3 खिलाड़ियों ने मेडल हासिल किए हैं। बच्चों की इस उपलब्धि पर उन्हें बहुत खुशी हो रही है। लड़का तो बहुत अच्छा खेलता है, मेरी प्रैक्टिस में प्रैक्टिस करता है ये एकेडमी में, ठीक है। हमारे जो टूर्नामेंट है पैंतीस लाख 10 चैंपियनशिप, वो ब्रिटेन सब जूनियर यूनिवर्सिटी MD यूनिवर्सिटी में 24 दिसंबर से 27 दिसंबर को हुई है। इसमें हमारे एकेडमी के जो विजय मार्शल आर्ट स्पोर्ट्स एकेडमी है, उस एकेडमी के 10 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 7 मेडल, इसमें गर्वित का सिल्वर मेडल है और शान का ब्रॉन्ज है, गौरव का ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है नेशनल चैंपियनशिप में। आगे जो इंटरनेशनल होने वाले हैं उनका सिलेक्शन ट्रायल होने वाला है, इन बच्चों का, तीनों बच्चों का। मैं चाहता हूँ कि हमारे एकेडमी के बच्चे इस तरह खेलते हैं और नाम रोशन करता रहे। सिल्वर मेडल विजेता खिलाड़ी गर्वित ने बताया कि इस चैंपियनशिप में पूरे देश के करीब 1200 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें उसने पहले मणिपुर के खिलाड़ी को हराया, उसके बाद कर्नाटक के खिलाड़ी को हराया और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी को हराकर सिल्वर मेडल हासिल किया। अब वो आगे इंटरनेशनल की तैयारी करेंगे और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल हासिल करेंगे। वही गर्वित के माता पिता भी जीत से खुश हुए हैं। अब गर्वित आगे की तैयारी कर बड़े इवेंट में खेलना चाहते हैं और देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।